हर हर महादेव आंटी। महादेव। कहाँ से आए थे आप? हम लोग पुरानी बस्ती से आए हैं। सुन लिया कथा? हाँ। कड़ाके की धूप है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? कैसा लगा थे यहाँ? अच्छा लगा था, गर्मी फिर भी अच्छा लगा। गर्मी है फिर भी अच्छा लगा थे? अच्छा लगा। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं शिव भक्तों को कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। कड़ाके की धूप है फिर भी कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और पेड़ के नीचे में बैठे बैठे हुए हैं। दुर्ग चरण। अच्छा, दुर्ग जिला। हाँ। कितने लोग आए हो? बस करीब 8 लोग आए। 8 लोग। ओकरे जरिए से थमन है, अति पान पैर हाथ सब ठीक हो है तब आना जरूरी है। वही से हम ना हन अब सुन के जाबो। अब हम सोचा तो नहीं जाबो, लेकिन इतना भी धूप है, थोड़ा बहुत विश्राम करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों आज अपन लोग आप पहुंचे हैं रायपुर, जहां हो रहा है आज से प्रदीप मिश्र जी का शिव महापुराण कथा। आज है दोस्तों शिव महापुराण कथा का पहली दिन और कड़ाके की धूप है, फिर भी भक्तों की अपार संख्या यहां पे देखने को मिल रही है। चलिए आप सभी को यहां का संपूर्ण माहौल दिखाते हैं। हर हर महादेव आंटी। महादेव। कहां से आए थे आप? हम लोग पुरानी बस्ती से आए हैं। सुन लिया कथा? हाँ। कड़ाके की धूप है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो अभी रोज आना जाना है या आज ही बस? नहीं, सोच रहे हैं आएंगे करके। अच्छा। हाँ। कितना समय आए थे आज? हम लोग 11 बजे आए थे। आप बताइए आंटी, हाँ, कहाँ ले आ रहे हैं? पुरानी बस्ती से रायपुर। हाँ। हो गए, सुंदर है कथा। हाँ, सुंदर। अच्छा महसूस हुई? अच्छा लगे। बढ़िया लगी। हाँ। अच्छा मैं रोज आऊँ के सोचा। अच्छा, सियाना तो बोला हूँ है ना। कितना किलोमीटर है तुम्हारे घर में? मेरे घर है कितने से? 6 किलोमीटर। यहाँ से 6 किलोमीटर पुरानी बस्ती। हाँ, वहीं से आए। हाँ, उम्र 82 साल। ठीक है। हर हर महादेव भाई। हर हर महादेव। कौन गांव के आज? अमन आमा पारा के। आमा पारा के, यही थे रायपुर के। तुम्हारे शहर में होते कैसा महसूस होते? अच्छा महसूस हुआ थे। वही थे आके कर बैठे हैं, जगह वो नहीं है किसके। भीड़ है, बहुत भीड़ है। पंडाल उंडाल रहा तो छाए नहीं है, घाम में कतेक बेले बैठे रहे। बहुत धूप है। हाँ, एक से एक रात बैठ गए हम। छाया में। हाँ। कितना समय के आ रहा आपने? अमन 1 बजे की। 1 बजे के। अच्छा, तो अभी रोज आना है? रोज आना है, रोज बुलाई तो रोज आओ। अच्छा, कब ले सुना था मिश्रा जी के कथा ला? हम तो आज आने सब सब जाते तब जाना था। हाँ। और आज यहाँ हमारे रहे माए रायपुर में तब आ। अच्छा, चल देता हम बोढ़ियारी में होती यहाँ गिरे हैं। अब यहाँ आए हैं हम। अब हम काम वाले मनखे हैं, अब कमाए उमा जाता कोई दिन समय मिल जाते थे तो आ जाते हैं। अच्छा, टीवी में देखता था कथा था? टीवी में सुनता ना। तो जीवन में कहाँ का परिवर्तन आए कथा सुने ले? अब का परिवर्तन आए? अब हम अब अच्छा लगता नहीं है जाना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आए थे आप? हम लोग रायपुर से आए हैं, यही लोकल। हाँ, सुन ले, बढ़िया लगा। अच्छा, तो अभी रोज आना है? हाँ, रोज आएंगे। अभी 7 दिन है, पहला दिन आ गए हैं, रोज आएंगे। अब तो क्या सुने आज? अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, धूप में बैठे थे पर बढ़िया लगा। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है, अभी तो आज पहले दिन है, व्यवस्था तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और क्या। तो आप कब से सुनते आ रहे हो मिश्रा जी का कथा? मैं तो 2019 से सुन रही हूँ। अच्छा, तो जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन है? प्रॉब्लम था ना, अच्छा बढ़िया बाबा सॉल्व करते जा रहे हैं और क्या। बाबा हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों कड़ाके की धूप है लेकिन फिर भी भक्तों का जो है लाखों की संख्या में आवागमन देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए तेज धूप धूप में बैठ करके भक्त जो है वो कथा का श्रवण कर रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ ले आ रहे हैं अपन? मऊदा से। मऊदा जी, मऊदा से। सुन लिया कथा? हाँ, सुनी। कैसा लगा थे यहाँ? अच्छा लगा था, गर्मी फिर भी अच्छा लगा। गर्मी है फिर भी अच्छा लगा थे? अच्छा लगा।
अच्छा, तो कब ले सुना था मिश्रा जी के कथा ला? हमन मतलब 2-3 साल हो गए कथा सुने ले। कुछ परिवर्तन आए जीवन में? हाँ, परिवर्तन तो आए। कैसे बतावा? जिए के मतलब है मिली से, मतलब क्या बोलो, अच्छा लगते हो कथा सुने से। गर्मी फिर भी इतना भीड़ है, अच्छा लगा थे। अभी रोज आ? हाँ रोज आबो, मन पास में है, 5-6 किलोमीटर के अंतर्गत है गाँव, तो रोज आबो। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं शिव भक्तों को कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। कड़ाके की धूप है, फिर भी कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और पेड़ के नीचे में बैठे बैठे हुए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं आप लोग? भिलाई के। कहाँ होता है ये? दुर्ग जरूर। अच्छा, दुर्ग जिला। हाँ। कितने लोग आए हो? बस करीब 8 लोग आए। 8 लोग। अच्छा, कब से पहुँचे थे? हम लोग आज ही पहुँचे हैं, करीब 1 बजे। 1 बजे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ बताइए? बहुत अच्छे, बाबा के दरबार में आ गया है, शरण में आ गया। और कब से सुन रहे हो अंकल आप कथा? हम तो पहले बार आए हैं। पहली बार आया? और टीवी में देखते थे? हाँ हाँ। अच्छा, तो जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आया है कथा का श्रवण करने से आपके? परिवर्तन तो ये पूजा पाठ आया है। हाँ, चेंजेस आया है। कड़ाके की धूप है, कुछ समस्या हो रही है आप लोगों को? लग रहा है जी, और गर्मी लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कब जाना है? अभी रुकोगे? जाएंगे आज, लेकिन आराम से जाएंगे, 5-6 बजे अंदर पंडाल पूरा घूम के। अच्छा, दर्शन करेंगे उसके बाद। ठीक है, हर हर महादेव। देख सकते हैं दोस्तों इधर पूरा बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ ले आए आप मन? राजनांदगांव। इतना धूप में बैठे हैं? हाँ, बाबा के दरबार में हम कुछ नहीं लगे, का लगी हम तो भक्ति है। अच्छा। हाँ, ओकरे जरिए से थमन हो, अति पान पैर हाथ सब ठीक हो है, तब आना जरूरी है। वही से हम ना हन, अब सुन के जाबो, अब हम सोचा तो नहीं जाबो, लेकिन इतना भी धूप है, थोड़ा बहुत विश्राम करे बहुत जरूरी। टीवी में देखो मैं। अच्छा। हमेशा देखूं टीवी, मैं नहीं टाइम कभी भी बाबा कुछ भी आ जाए पर से देखूं, और ओकरे जरिए से आऊं, मतलब मोर विचार नहीं रिस पर वही लानी सम्मान के चल। अच्छा। हाँ, नहीं जाऊं नहीं जाऊं करके बोला तुम्हें, पढ़ना आज मैं विचार करी थे साथी मन सन चल के आ गए। तो आप मन के जीवन में कहा का परिवर्तन आया? कथा ले सुने ले। बहुत परिवर्तन आ गए, पैर लगे रही से। आप मन के पैर? हाँ, पैर लगे रही से ठीक हो गए हुआ। हाँ। ना सर थोड़ा दबत रही से, वहाँ पानी लगाऊ भोलेनाथ के। अच्छा। ठीक हो गए, मैं एनी टाइम भोलेनाथ के झाड़ू पोछा लगातू, काम करतू, कर सुबह से शाम तक ऊपर आंगन ला झाड़ू, गोबर ला के लिपू, नहातू, पानी दोहार के लेकर सब चीज करती हूँ। विश्वास है, विश्वास के कारण आऊँ। धूप में आप मतलब समस्या नहीं है? नहीं है, कुछ समस्या नहीं है, मैं बैठे हूँ आराम से। कितना समय बैठे हैं गाँव में? हम शुरू से आ तब से बैठे हैं, यानी कि 1 बजे से बैठे हैं, 12 बजे आ, 1 बजे से बैठे हैं। आप मन बतावा? मोला हमन है नानका सुंदरा से आहन, और हमर विचार रही से कि सुनेल जाबो की के, और मैं है ना ये भागवत सोचे तो बहुत मुरमर रही थे कि सुनेल जाए के, और टीवी में तो हर दिन में सुनत रही थी, सुबह सुबह से मतलब 6 बजे 5 बजे उठो ना तो चालू करके सुनत रही थी कि ये बगल वाले ग्रिल बोले हूँ कि चल एकदम धूप रहा है कहीं रहा है जाबो, और मोला ना 2023 से मंदिर जाके चालू करे हूँ। अच्छा। और लेकिन मोर परेशानी मोर पेट के दर्द करत रही ना तो वो पूरा ठीक हो गई, मतलब भोले बाबा के लिए मोर पूरा विश्वास, अब विश्वास है तब इतना दूर में है भागवत सुने ला हूँ भोले बाबा के, और कोड़िया गिरे हूँ। अच्छा। सुने पर और वहाँ हम है 1 बजे से यहाँ बैठे हैं, विश्वास मोला बोले विश्वास है भैया, पेट के दर्द रही ना तो पूरा ठीक हो, वो हमारे यहाँ पूरा ठीक हो गए, और ना मंदिर डबल रही से डबल बच्चा है, तब एक बच्चा 7 महीना खत्म हो गई से वही पेट में, एक बच्चा दिया रही से डॉक्टर बोलते कुछ नहीं हो सके ऐसे बोली, तो मन मन में बहुत भी होगी, तो 2 बजे रात कर में भोलेनाथ कर गये, बोले के तोरे देल हरे ते हम नहीं देवे कैसे बनी, अगर विश्वास रखता तो एक बच्चा के राख सकता, वाकई बात हुई
जब आज 8:30 में हम ओकर पेट लेकर ऑपरेशन करके निकाले गए वाला एक बच्चा लड़का रिसो जो खत्म हुई से लड़की है ठीक आवे अभी एक साल हुई से अभी लेकिन बहुत कष्ट हम जिसमें लड़की इतना कष्ट हम जिसे ते डॉक्टर भी बोले कि कैसे करबू कैसे ढंग के है हुई तब माल बचान तब बच्चा बचान पैर पूरा सूजन हो गई से तब जाके ना बहुत दिन नहीं करे बहुत तेज बहुत सेवा करे तो भोलेनाथ ना मैं बहुत पहचानी और अच्छा भी करी लड़की भी करी महूल करी हमारे यहाँ दुकान में चला तो दुकान भी चलना शुरू कर बहुत विपत्ति आ गई लड़का हाथ टूटी मोर पैर एक्सीडेंट हुई और मोर आदमी के मोर यानी कि हस्बैंड के पैर टूटी वो भी ठीक हुई बच्चा मोर लड़की के डबल भी से एक जन खत्म हुई एक जन बची वो भी ठीक हुई पूरा चमत्कार हो पूरा चमत्कार हो अच्छा जब से पूजा पाठ करे जब तब से पूजा पाठ करें तब से अब और पशुपतिनाथ भी रखो 3 बार हो गए चौथा बार और करूँ यानी कि मैं करते चले हूँ मोर विश्वास जो जितना मोला नहीं है कराते हूँ उतना पूरा कर दीस हूँ अब एक चमत्कार आऊ भोलेनाथ के कर बोला तुम्हारा करवे तभी मैं फिर मैं डबल कहीं तो वही तो फिर आऊँ 2023 के मंदिर जाके चालू करे हूँ बताया था ना परेशानी मतलब एकदम तबियत खराब हुई बुखार उखार नहीं कहीं कहीं कुछ ना कुछ लगते रहा है तो ना 2013 के चालू करे हूँ मंदिर जाके तो सब ठीक है और थोड़ा से पेट वेट के कुछ प्रॉब्लम भी से वो भी पूरा ठीक हो गए और अभी ना बच्चे लोग बोल रहे कि हम लोग ठेला खोलेंगे करके तो अभी ला के खड़े करे अब पूजा उजा तो मैं मंदिर तो जाके चालू करी हूँ 2013 जात अच्छा जाके चालू करी हूँ जाते पूरा भी चमत्कार पूरा भी सांस से भोले बाबा तब इतना धूप हर हर महादेव हर हर महादेव।